देखो ये मनोहर आके हैं, ये ज्योतिबा फूले को खा गए, ये बाबा साहेब को खा गए। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे अपना काम कर लेने दो, नहीं तो दुश्मन लोग मुझे मार देंगे। कि साहब का प्रोग्राम रोपड़ पे लगा है और फादर का देहांत हो गया है। कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब गांव चलो, पिताजी का देहांत हो गया है। बोले अब मेरे ये सब जो बहुजन समाज है जो मैंने तैयार किया है वही मेरा समाज है, उन्हीं में मेरे फादर हैं, उन्हीं में मेरी मदर हैं, उन्हीं में बच्चा लोग हैं, उसी में सिस्टर हैं, ब्रदर हैं सब। किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति भाषा की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा घर है जो बहुत बड़ा घर है और यहाँ पर हर किसी के लिए जगह है। मेरे साथ में मान्यवर जी है। सर, जानना चाहूँगी आज यहाँ पर जिस तरह से लोग आए हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से परिनिर्वाण दिवस हो या साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती हो, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब काम या धरातल या चुनाव की बारी आती है तो उस समय कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, ऐसा क्यों? देखें, आप लोगों का बात कुछ हद तक सही हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं है। और चूँकि आज पावन पवित्र ऐसा दिवस है, जनाब को साहब कांशीराम साहब को याद करने का मौका है, और उनको याद करने का भी केवल ढांचे का याद करने का मौका नहीं है, जो उन्होंने हमको स्लोगन दिए, सिद्धांत दिए, आए है उनकी कार्य प्रणाली, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी। कि यहाँ आप ऐसा तो देख रहे होंगे कि आदमी मेरे यहाँ बसपा में काम करने के लिए जबरदस्ती कहता है इनको, मुझे मौका दो, मैं काम करूंगा, लड़ता है। ये तो पदक्रम तो अब हो गए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि रोजाना ऐसे जब क्षेत्र में काम करने की बारी आएगी तो यहाँ थोड़े ना 12 नंबर पर नजर आएंगे। सर, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने साहब मान्यवर काशीराम जी की बहुत सारी घटनाएं पढ़ी हैं, देखी हैं, लोगों से सुनी हैं, और कैडर के माध्यम से भी जिस तरह से लोग बताते हैं कि उनका जो संघर्ष रहा, वास्तव में अगर आज मैं तुलना करूं किसी भी राजनीतिक नेता की तो उनके बराबर कोई दूर दूर तक नहीं ठहरता है। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह साहब मान्यवर काशीराम जी की मैंने एक घटना पढ़ी है कि उनके पास में 5 पैसे भी नहीं थे साइकिल में हवा भरवाने के लिए, तब उन्होंने इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, लेकिन आज लोगों के पास में एसी में की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है, ट्रेनें हैं, एक से एक सुविधा है यातायात की, लेकिन आज भी मिशन मूवमेंट कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, तो क्या बेसिक कमी? मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो कभी हमें मई 1990 में अलॉट हुआ था। जी। जैसे हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए थे पंजाब से, लाखा साहब, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, और बिजनौर से माने बहन जी, उसके बाद ये हमको अलर्ट हुआ और 13 हमारे विधायक उधर उत्तर प्रदेश में आ गए। जो आपने कहा उससे पहले की और जिंदगी में जाऊँ ना जी, जब 64-65 में जनाब ने नौकरी छोड़ दी, द एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़ करके जिसने दी साहब को, वो भी आप लोगों को जानकारी है। तो उस किताब को पढ़ने के बाद साहब ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, शादी न करने का फैसला कर लिया, माँ बापों को चिट्ठी लिख दी कि मैं लौट करके नहीं आऊँगा। उससे भी और कड़वी बात तो ये है कि साहब का प्रोग्राम रोपड़ पे लगा है और फादर का देहांत हो गया है। कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब गांव चलो, पिताजी का देहांत हो गया है। बोले अब मेरे ये सब जो बहुजन समाज है जो मैंने तैयार किया है वही मेरा समाज है, उन्हीं में मेरे फादर हैं, उन्हीं में मेरी मदर हैं, उन्हीं में बच्चा लोग हैं, उसी में सिस्टर हैं, ब्रदर हैं सब। ऐसा मान करके वो वहाँ नहीं गए, और जो आपने बात कही वो बात लगेगी, संकल्प ना था, वो बात लगेगी 65-66-67 की, जो 5 पैसे हवा भरने के तक के भी नहीं थे, क्योंकि 64-65 में नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद पैसा तो कुछ है नहीं, और उस दौरान समाज जागृत था नहीं, जिसको समझाते थे वही हंसी करता था, और किसी पढ़े लिखे की समझ में आ गई तो वो भी ऐसे थोड़ी ना हो गया, इतना बड़ा ये बाम से पैसे थोड़ी ना बन गया। जो छात्रावास थे, मैं एक शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे मौके पर जब मैं साहब की पर्णिमा दिवस के मौके पर हूँ, कि जो देहातों में अंबेडकर छात्रावास और दूसरे नाम पर भी छात्रावास थे,
उनमें जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के और उसमें खासकर एससी एसटी के बच्चे लोग जो रहते थे पढ़ते थे उन तक गए साहब, उनके माध्यम से उनके माँ बापों तक गए, तो जो सरकार की नौकरियों में थे उन लोगों ने साहब की बात को समझा और उन्होंने साहब को साथ देना शुरू किया। ये वास्तव में बात सही है, लेकिन उन्होंने अपने में इतना धैर्य रखा, उन्होंने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, उन्होंने अपनी कोई चाहत नहीं बताई, न रखी अपने अंदर चाहत। और तो और इससे बड़ी भी, जब इतनी इतनी ऊंची दीवारों पर जब पोस्टर लगाने की बात आई, मेरे साहब ने कभी कभी जब हमारे पास कुर्सी नहीं है या कोई सीढ़ी नहीं है तो उन्होंने पुराने वाले उसमें टाइम में तो ऐसे भी कर दिखाया है हम लोगों को, और बाद में हम लोगों ने किया है कि अरे चल तू पीठ पे पैर रखा और चल ठीक है लगा लगा, ऐसे किया हम लोगों ने भी किया है। लेकिन उस समय के कार्यकर्ता और आज के कार्यकर्ता कुछ तो फर्क दिखाई देता है। फर्क है, देखिएगा मैं वो जो याद दिलवा रहा था कि मैं ऐसी जगह पर हूँ कि 2 अक्टूबर 1991 में जब जनाब से मेरी यहाँ मुलाकात हुई तो साहब ने मेरे से दिल्ली की बात कही कि आप लोग कहाँ के हो। मैंने कहा जनाब मैं यूपी का हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यूपी जाओ। मैंने कहा साहब यहाँ नौकरी भी है बैंक की, कि तो फिर नौकरी करो। मैं ना ना साहब बैंक की नौकरी है ठीक है, हर आदमी का कोई जूनियर है कोई सीनियर है, सीनियर को मान सम्मान देते हैं, जूनियर को प्यार मोहब्बत देते हैं, नौकरी बढ़िया है, कोई हमें टोकता नहीं और आपके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। कि तो फिर ये दिल्ली का हाल? मैंने कहा साहब बात सुनो, दिल्ली में हर प्रांत का, हर मजहब का, हर जाति का, हर तबके का तेज चालाक और फितना किस्म का आदमी रहता है। तो जितने तेज चालाक फितना किस्म के लोग थे वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो अपनी चालाकी का डिमोस्ट्रेशन ज़्यादा करते हैं, हमारी आपकी बात को अभी तरजीह कम दे रहे हैं। नहीं तो देखो मुझे ही उन्होंने ऐसा कह दिया, मनोहर आटे बैठे थे, यही मनोहर आटे बैठे थे, लाखा साहब बैठे थे, तो लाखा साहब से कहा अच्छा भाई लाखा तुम चलो। तो फिर मेरे से कहे कि जो वो आए देखो ये मनोहर आटे हैं, तो मुझे कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मैंने कहा साहब बाहर गेट पर कुछ लोग और खड़े हैं। कहे नहीं नहीं आप सुनो। मैंने कहा साहब वो पके हुए लोग हैं, कोई कच्चा आदमी नहीं है, उन्हें बुला लाता हूँ और सुनेंगे तो और प्रभावित होंगे। कहे नहीं नहीं आप सुनो, देखो ये मनोहर आटे हैं, ये ज्योतिबा फूले को खा गए, ये बाबा साहेब को खा गए। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे अपना काम कर लेने दो, नहीं तो दुश्मन लोग मुझे मार देंगे। तो इस तरह की सोच जब कट्टरपन की हो तो कट्टरता से ज़्यादा, आप देख रहे हो ना हम कब चाह रहे थे कि बारिश हो, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था में एक कट्टरता है, नेचर में एक कट्टरता है, तो वो अपना काम करे। नेचुरल सिस्टम में बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, हम अपना काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी बाधाएं हमारे सामने आए, लेकिन सही मिशन मूवमेंट का व्यक्ति वही हो सकता है जो हर बाधा से टकरा कर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते उसकी तरफ बढ़े।